मेयर शाइनेस विदाउट मेरिट इज यूजलेस, अर्थात शर्मीलापन भी वो वाला बेकार है जिसमें योग्यता ना हो। यदि कोई व्यक्ति शर्माता है और उसमें योग्यता नहीं, वो शर्मीलापन भी बेकार है। मैं एस के मिश्रा शार्प करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ ही चाहिए, जिन वाक्यों के अंत में आता है ही चाहिए। ऐसे वाक्य अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट होंगे, कैसे बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, सबके साथ यही फार्मूला यही स्ट्रक्चर चलेगा। सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के साथ। देखें उदाहरण, यू शुड हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना ही चाहिए, तुम्हें खाना बनाना ही चाहिए, जरूर जरूर और जरूर बनाना चाहिए। यू शुड हैव टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना ही चाहिए और तुम्हें खाना खाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू ईट फूड, तुम्हें खाना खाना ही चाहिए। इस प्रकार के वाक्य कैसे बनेंगे, ये मैं बना के बता रहा हूं, नेगेटिव में भी इंटरोगेटिव में। देखें, यू शुड हैव टू स्माइल, तुम्हें मुस्कुराना ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू इट, यू शुड हैव टू डू इट, तुम्हें इसे करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू राइट ए लेटर, तुम्हें पत्र लिखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू सी इट, तुम्हें इसे देखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू वॉच द टीवी, तुम्हें टीवी देखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू फाइट, तुम्हें लड़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू ड्रिंक, तुम्हें पीना ही चाहिए। यू शुड हैव टू सिंग ए सॉन्ग, तुम्हें गाना ही चाहिए, तुम्हें एक गीत गाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्विम, तुम्हें तैरना ही चाहिए। यू शुड हैव टू बीट हिम, तुम्हें उसे पीटना ही चाहिए। यू शुड हैव टू चाइड हिम, तुम्हें उसे डांटना ही चाहिए। यू शुड हैव टू क्राई, तुम्हें रोना ही चाहिए। यू शुड हैव टू ब्रेक हिम इट, तुम्हें इसे तोड़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू फॉरगेट, तुम्हें भूलना ही चाहिए। यू शुड हैव टू टेक इट, तुम्हें इसे लेना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गिव इट, तुम्हें इसे देना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो, तुम्हें जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू से, तुम्हें कहना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्पीक, तुम्हें बोलना चाहिए। यू शुड हैव टू वियर क्लोथ, तुम्हें कपड़े पहनने ही चाहिए। यू शुड हैव टू अब्यूज, तुम्हें गाली देना ही चाहिए। यू शुड हैव टू डांस, तुम्हें नाचना ही चाहिए। यू शुड हैव टू रन, तुम्हें दौड़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू ईट, तुम्हें खाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू वॉश द क्लोथ, तुम्हें कपड़े धोने ही चाहिए। यू शुड हैव टू बेथ, तुम्हें नहाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू लाफ, तुम्हें हंसना ही चाहिए। यू शुड हैव टू प्ले द क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्लीप, तुम्हें सोना ही चाहिए। यू शुड हैव टू लीव, तुम्हें रोना ही चाहिए। यू शुड हैव टू सिट, तुम्हें बैठना ही चाहिए। यू शुड हैव टू स्टैंड, तुम्हें खड़े ही होना चाहिए, खड़े होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू कम, तुम्हें आना ही चाहिए। यू शुड हैव टू ट्राई, तुम्हें कोशिश करनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सवेरे सवेरे उठना ही चाहिए। इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं, ये मैंने इतने सारे वाक्य बना के दिखाए हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, शुड के बाद नॉट आ जाएगा, और कोई परिवर्तन है ही नहीं। नहीं पढ़ता होगा, नहीं चाहिए, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा, शुड आएगा यानी शुड नॉट आएगा, हैव आएगा, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है। यू शुड नॉट हैव टू वॉश क्लोथ्स, तुम्हें कपड़े धोने ही नहीं चाहिए, तुम्हें कपड़े धोने ही नहीं चाहिए। अब ऐसे सेंटेंसेज इंटरोगेटिव के जिनमें शुरू में क्या आता है, ऐसे वाक्यों में शुड का प्रयोग भी पहले ही होगा। देखें इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा शुड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बी वन का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ओबी का मतलब है ऑब्जेक्ट। देखें, शुड यू हैव टू वॉश द क्लोथ्स, क्या तुम्हें कपड़े धोने ही चाहिए,
क्या तुम्हें कपड़े धोने ही चाहिए, इस प्रकार के से ये इंटरोगेटिव क्या वाले सेंटेंसेस बनेंगे। इसके बाद वाई, हाउ, व्हेन, क्यों, कैसे, कब, ये सेंटेंसेस का फार्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा बताता हूं। वाई या क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, वाई, हाउ, व्हेन, ये पहले आ जाएगा, उसके बाद शुड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद हैव आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखें, व्हाई शुड आई हैव टू डांस, मुझे नाचना ही क्यों चाहिए, मुझे नाचना ही क्यों चाहिए, व्हाई शुड आई हैव टू डांस, व्हाई शुड शी हैव टू सिंग, उसे गाना ही क्यों चाहिए, व्हाई शुड शी हैव टू सिंग, उसे गाना ही क्यों चाहिए, हाउ शुड आई हैव टू गो, मुझे कैसे जाना चाहिए, मुझे कैसे जाना ही चाहिए, why should they have to drink tea, उन्हें चाय पीनी ही क्यों चाहिए, why should he have to beat my brother, उन्हें मेरे भाई को पीटना ही क्यों चाहिए, when should he have to beg, उसे भीख मांगना ही क्यों चाहिए, उसे भीख कब मांगना चाहिए, मांगना ही चाहिए। इसके बाद टॉक और वॉक का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखें, वाई शुड ही हैव टू स्टील द बुक, उसे किताब चुरानी ही क्यों चाहिए, वाई शुड ही हैव टू स्टील द बुक, उसे किताब चुरानी ही क्यों चाहिए, व्हेन शुड ही हैव टू गो, उसे कब जाना ही चाहिए, हाउ शुड ही हैव टू राइट ए लेटर, उसे पत्र कैसे लिखना ही चाहिए। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं, ही चाहिए, जिन वाक्यों के अंत में हिंदी में ही चाहिए आता है, उन वाक्यों को इन फार्मूलों के आधार पर मैंने अफर्मेटिव, ऊपर के अफर्मेटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर इंटरोगेटिव है, क्या वाले, क्यों वाले, कब वाले, कैसे वाले, सारे सेंटेंसेस का मैंने स्ट्रक्चर भी दिया है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।